हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। आज जो हमारी पहली न्यूज़ आई है वह है ई सिगरेट को लेके। देखो, ई सिगरेट है ना, इसके बारे में बेसिकली काफ़ी सारे फैक्ट हैं और काफ़ी सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। तो अभी गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आई है कि भाई ई सिगरेट को कम्प्लीटली बैन है वो किया जा सके, और इसके बाद में बिल भी लाया जा रहा है ताकि ई सिगरेट से जो नुकसान हो रहे हैं, इससे जो युवा जनरेशन है इसको मतलब रोका जा सके, और इसी के साथ इसके जो बड़े कदम जो लंबे नुकसान हो सकते हैं उन्हें रोकने की तरफ भी गवर्नमेंट आगे अग्रसर है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ई सिगरेट का प्रिंसिपल या क्या मेथड है। देखो, ई सिगरेट है वो एक बैटरी पावर्ड वेपोराइजर होता है। मतलब इसमें एक साइड तो होती है एक बैटरी और एक साइड ये काम करती है वेपोराइजेशन का, मतलब ये वाष्प बनाने का काम है वो करती है। देखो, ई सिगरेट जैसे आपको बताऊँ, ये एक सिगरेट है, मान लो ई सिगरेट, इसमें एक साइड बैटरी होती है और एक साइड इसमें लिक्विड जूस है वो होता है। अब जो लिक्विड जूस होता है ना, इसमें निकोटीन होता है, मतलब ये जूस जो होता है इसके अंदर लिक्विड आप बोल सकते हो, ये बेसिकली निकोटीन से बना हुआ होता है। मेथड ये होता है कि जब बैटरी की सहायता से जब ये जलता है तो इसमें वेपर प्रोड्यूस होती है और वो धुएं की फॉर्म में दिखाई देती है। बट गवर्नमेंट इसे बैन इसलिए कर रही है क्योंकि WHO के द्वारा काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई हैं जिसमें ये चीज़ प्रूव हुई है कि भाई ई सिगरेट का कोई नुकसान नहीं है तो फ़ायदा भी नहीं है। इससे बस ये हो रहा है कि एक तरीके से गेटवे ऑफ स्मोकिंग का काम भी कर सकती है, मतलब धीरे धीरे लोगों को इसे स्मोकिंग करने की लत है वो लग जाती है, तो इसीलिए इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। देखो, इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने इसको अलग अलग बैन तो कर रखा है, बट गवर्नमेंट अभी कम्प्लीटली इसको बैन करना चाहती है क्योंकि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR है, उसने भी गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि भाई आप जो ये है ना ई सिगरेट, इसको कम्प्लीटली बैन करो, ये मतलब सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी है वो नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, आपको एक एक्ट पता होना चाहिए, वो है कोटपा। कोटपा का मतलब है यहाँ पे सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स प्रोहिबिटेशन ऑफ एक्विजिशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003। सीधी सी बात बोलूँ कि हमारे देश में जो भी तंबाकू प्रोडक्ट होते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए, इनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, ये सारी ट्रेड वगैरह को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है कोटपा। तो ये आपको शॉर्ट में UPSC पूछ सकती है कोटपा क्या है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, UPSC ने 2-3 साल पहले पूछा था कि M-STRIPS क्या है, जो कि टाइगर को मॉनिटर करने के लिए एक मेथड था। तो उसी तरीके से कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी UPSC क्वेश्चन पूछती है, तो वहाँ हमें ध्यान में रखना है कि कोटपा है भाई वो हमारे देश में जो भी सिगरेट्स या तंबाकू प्रोडक्ट, मतलब जिनमें तंबाकू होता है, उनको बेसिकली रेगुलेट करने का काम है वो कहता है। अब देखो, आपको पता है कि ई सिगरेट में तंबाकू तो आता नहीं है, इसलिए वो इस एक्ट के तहत रेगुलेट नहीं किया जाता है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ई सिगरेट को भी इसमें शामिल है वो किया जा सके, इसके लिए कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएंगे। तो ये तो हमने कंप्लीट फेंक देगा। अब UPSC इसमें कई बार ऐसे भी पूछ सकती है कि ई सिगरेट में निकोटीन नहीं होता है, निकोटीन होता है बेसिकली लिक्विड फॉर्म में, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसे जूस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई, ये आपको ध्यान में रखना है, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्टुरिया कोली, ये एक बैक्टीरिया है जो आपको ध्यान में रखना है। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि अभी गवर्नमेंट है वो जो हमारे देश की इम्पोर्टेंट होली रिवर है गंगा, इसकी स्टडी करने की कोशिश कर रही है, या काफ़ी प्रयास है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ने गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए मिशन क्लीन गंगा चलाए, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। अब यह क्या, टाइम टू टाइम जब गंगा रिवर के सैंपल लिए जाते हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया पाया गया है मेनली ई कोलाई, जो कि इंसान या जानवरों की आंतों में पाया जाता है, और ये काफ़ी ख़तरनाक बैक्टीरिया होता है जो मतलब काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसी के साथ ही जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये एक तरीके से ह्यूमन के अंदर जो एंटी माइक्रोबायोटिक रेजिस्टेंस है, या आप बोल सकते हो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो डेवलप करने में काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अपना निभाता है। तो गवर्नमेंट है वो कंप्लीट गंगा रिवर की स्टडी करना चाह रही है कि भाई जगह जगह से गवर्नमेंट है उसके मतलब स्टडी की जाए, सैंपल कलेक्ट किए जाएं, ताकि हमें पता चले कि कौन से एरिया में बैक्टीरिया फैल रहा है, कौन कौन से और बैक्टीरिया हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है इसके लिए उत्तरदायी हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री से वो बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो उनके ऊपर रेगुलेट उनको रोका जा सके, ताकि गंगा का जो पानी है वो साफ़ रह सके और इससे कोई भी बैक्टीरिया ना बन पाए ऐसा जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर सकें। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमने काफ़ी बार पहले डिस्कस किया है कि जो मेडिसिन ये होती हैं एंटीबायोटिक होती हैं उनके अगेंस्ट यह डेवलप किया जाता है जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके द्वारा, ताकि वो मेडिसिन उन पर काम ना करें।
नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है यहाँ पे कैंपियन अंगीकार। देखो अंगीकार का एक अंगीकार हिंदी वर्ड है। अंगीकार का मतलब होता है अपने मन से स्वेच्छा से चीज़ एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई ठीक है मुझे ऐसा है मैं मान रहा हूँ। अपने मन से एक्सेप्ट करना, ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है धक्के दे के फिर हाँ ठीक है भाई मान लिया, ऐसे नहीं। खुद अपने मन से मतलब अंतर मन से कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, उसे कहते हैं अंगीकार। अब ये कैंपेन अंगीकार है क्या? देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उसके द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है। आपके दिमाग में होगा कि भाई ऐसा, ये तो फिलोसफी जैसी बातें हो गई, ये क्या मतलब कहाँ जरूरत पड़ गई इसकी। देखो बात ऐसी है कि ह्यूमन बिहेवियर है ना, वो एक मेजर रीजन है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके लिए। जैसे कि हम देखो हमारी बेसिक जो डेली लाइफ उसी से देख लो, जब भी कोई आदमी कचरा फेंकता है रोड वगैरह पे तो कोई उसे कुछ नहीं बोलता, क्यों? क्यों सोचता है यार फेंकने दे मेरा क्या है। जब बात आती है इन्वायरमेंट की तो कोई भी पर्सन खुद स्टार्ट नहीं करता कि भाई मैं तो रखूँ, क्या सोचते हैं मेरे एक बाल्टी पानी बचाने से क्या हो जाएगा, मैं एक पेड़ काट लूँगा तो इससे क्या हो जाएगा, मैं अगर कचरा सीज के नहीं फेंकूंगा तो क्या होगा, और लोग तो और यहीं फेंक रहे हैं तो मेरे किले से क्या होगा। मतलब जो सोशल बिहेवियर है साफ सफाई को लेके, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे इससे के साथ प्लांटेशन इनकी पेड़ पौधे लगाने की बात हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, और भी तरह के आप ले सकते हो एग्जांपल, चाहे इन्वायरमेंट का जैसे मैंने आपको बताया। मतलब लोगों का जो ये बिहेवियर है, जैसे कि कुछ लोगों का पहले टॉयलेट यूज़ करने को लेकर बिहेवियर था कि भाई मेरे के लिए मैं टॉयलेट के यूज़ करूँ, मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लोग अपने मन से इन चीज़ों को स्वीकार करिए, हाँ भाई मुझे अच्छा बनना है, मुझे मेरे लिए बनना है, औरों के लिए नहीं, मुझे जो भी काम करना है वो मेरे खुद के लिए करना है। मैं मेरे देश को पोल्यूट क्यों करूँ, मैं मेरी सिटी को क्यों नुकसान पहुँचाऊँ, मैं मेरी धरती को क्यों मतलब ख़राब करूँ। इस तरीके के जो बिहेवियर है इसको एक्सेप्ट करने के लिए ही बेसिकली कैंपेन है वो चलाया गया है। वो इसके देखो जो मेनली स्टार्टिंग में टारगेट ग्रुप हैं वो होंगे, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जिन लोगों को घर मिलेंगे, जो लाभार्थी हैं, उनको कम्युनिटी मोबालाइजेशन की हेल्प से ये चीज़ें हैं वो मतलब उनका बिहेवियर है वो चेंज करने की कोशिश की जाएगी, ताकि वो टॉयलेट यूज़ करें, इन्वायरमेंट के प्रति भी सजग हों और किसी भी चीज़ को डैमेज है वो ना करें। तो ये काफ़ी अच्छा कैंपेन है, इसका आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, और इवन जब ऐसे राइटिंग की बात आती है तो वहाँ पर भी आप इसका यूज है वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है केम्पा। केम्पा या कम्पा के नाम से बेसिकली जानता है। केम्पा का मतलब यह है कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, या फिर इसको साथ ही एक मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है जिसका नाम है यहाँ पे कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। देखो बेसिकली 2001 में तो इसका प्रस्ताव लाया गया था कि भाई एक ऐसी कमेटी, एक वैसी बॉडी वगैरह होनी चाहिए, फंड होना चाहिए। 2006 में इसको बनाया गया था, ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखना है। न्यूज़ देखो अभी आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कैंपा फंड है यहाँ से 47,436 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं स्टेट्स के लिए कि भाई वहाँ पे पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। थोड़ा हम कैंपा को डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये मान लो कि कोई भी एक स्टेट ले लो, हाँ जैसे मान लो कि एक जगह है, ये मान लो कि यूपी स्टेट है एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे कोई भी एक कंपनी लगाई जा रही है और यहाँ पे इन काफ़ी सारे मतलब जंगल वगैरह है और यहाँ पे कोई फैक्ट्री लग रही है कुछ भी है, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे काटे जाएंगे, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, इसके बाद जो पेड़ पौधे कटेंगे इसकी एवज में कंपनी क्या है गवर्नमेंट को पैसे देती है, मतलब पैसे देती है एक तरीके से कि भाई ठीक है ये पैसे ले लो और आप पेड़ पौधे हैं वो लगाओ कहीं भी। देखो पहले तो ये होता था कि गवर्नमेंट इसी कंपनी को कहती थी कि भाई साहब आप ही पेड़ पौधे लगाओ कहीं पे, बट इसमें क्या है कि जो कंपनी है वो लापरवाही बरतती, ढंग से पेड़ पौधे नहीं लगाती, काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फंड बना लिया जिसका नाम है कैंपा फंड। इस फंड में कह दिया कि भाई आप पैसा है वो डालो, गवर्नमेंट कहती है कि भाई इतना पैसा आपको डालना है, तो वो कंपनी क्या करती है इस फंड में पैसा है वो डाल देती है। ये जो फंड है बेसिकली कैंपा फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहता है, या आप बोल सकते हो कि हमारी जो मेन गवर्नमेंट होती है सेंट्रल लेवल पे उसके अंडर होता है, बट इसका जो 90% जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो तो स्टेट को देना होता है, और 10% पैसा है वो खुद खर्च करती है। तो ये एक तो आपको फिर ध्यान में रखना है। अब इस कंपनी ने जो पैसा है वो इस कैंपा फंड में दे दिया, इसके बाद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस फंड को कहाँ पेड़ पौधे लगाने के लिए यूज़ किया जाए। और हाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो ये फंड का पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांटेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये मान लो कि किसी एरिया में यहाँ पे प्लांट लगाने हैं तो यहाँ पे प्लांट लगा दिए, इसी के साथ यहाँ पे अगर तालाब बनाने की ज़रूरत है ताकि पानी की सप्लाई वगैरह उसके, तो ये बना लिया। इसके कैंपा फंड से जो भी पैसा है इसका ये नहीं कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं इनके अलावा जो और वर्कर्स हैं इनको सैलरी दी जाए वगैरह, मेनली जो फोकस है वो यहाँ पे
पेड़ पौधे लगाने को लेके है। इसका जो कैंपा फंड का जो पैसा है, इसका किसी की सैलरी वगैरह के लिए यूज हो नहीं किया जाता है। सैलरी का मतलब ये कि जो अधिकारी लोग हैं उनकी सैलरी नहीं, देखो जो यहाँ पे वर्कर्स होंगे उनको तो खैर सैलरी इसी से मिलेगी, तो आपको ये थोड़ा फैक्ट पता होना चाहिए कि कैंपा फंड वो किस तरीके से काम है वो करता है। ये ध्यान रखना कि 10% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल के पास रहता है और 90% पैसा स्टेट्स को दिया जाता है ताकि वो अपने एरिया में पेड़ पौधे लगा सकें। पैसा कहाँ से आता है? कंपनी है वो बेसिकली इसमें पैसा फंड में प्रोवाइड है वो करती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है जीआई टेक को लेके। देखो तमिलनाडु के दो प्रोडक्ट हैं, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है डिंडीगुल। तो डिंडीगुल जो जगह है यहाँ के ताले यानी कि लॉक्स हैं वो बहुत फेमस हैं और डिंडीगुल को लॉक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो ताले हैं वो हैंडमेड है, मतलब हाथ से बने हुए ताले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप बोल सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी डिमांड रहती है और काफ़ी क्वालिटी भी अच्छी होती है, रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होती है, इसीलिए इनको भी जीआई टैग है वो दिया गया है। और एक है यहाँ पे कांडंगी साड़ी, जो कि तमिलनाडु में एक जगह है कांडंगी, वहाँ की साड़ी को भी जीआई टैग है वो दिया गया है। तो ये आपको दो फेक ध्यान में रखने हैं। जीआई टैग देखो आपको पता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है जो कि किसी भी एरिया के जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है उसके लिए दिया जाता है ताकि मार्केट में उसकी कॉपी वगैरह होके ना बिक सके और क्वालिटी मेंटेन है वो रह सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 रिपोर्ट। क्या है यह? देखो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 जो रिपोर्ट है यह जारी की गई है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, मतलब UN के द्वारा रिपोर्ट है वो जारी की गई है। देखो इसमें यह बताया गया है कि इंडिया है वो वर्ल्ड की 1/6 पॉपुलेशन को एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रिप्रेजेंट करता है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1.37 बिलियन और ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो है 7.71 बिलियन, मतलब इंडिया वर्ल्ड की 1/6 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट है वो करता है। और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो रही है यहाँ पे अगर हम बात करें, और ये 1.2% पर ईयर कब से 2010 से लेके 2019 के बीच में, मतलब इंडिया में जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है वो हर साल 1.2% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। 2010 से 19 तक का ये डाटा यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ इसमें दिया गया है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, मातृत्व मृत्यु दर। देखो ये ध्यान रखना मातृत्व जो मृत्यु दर है वो 1 लाख बच्चों के जन्म लेने के ऊपर बेसिकली काउंट है वो की जाती है कि कितनी माताओं की डेथ है वो हुई है। तो इंडिया में जो MMR है वो है 174 per lakh, 2015 का डाटा है। देखो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 2015 में इंडिया का डाटा क्या है 174 per lakh, और 2015 की अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे तो ग्लोबल लेवल पे जो MMR थी वो थी 216, मतलब इंडिया की MMR मातृत्व मृत्यु दर है वो ग्लोबल लेवल से कम है, मतलब कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और वहीं अगर हम पास्ट में जाएं तो 1994 में इंडिया की MMR थी वो थी 448 per lakh, ये आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि 1 लाख बच्चों के ऊपर जन्म लेते टाइम 448 माताओं की डेथ है वो हो जाती थी। इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट मतलब बच्चे पैदा करने की जो आप बोल सकते हो कि दर है वो है 2.3 बर्थ पर वुमेन, मतलब कि एक महिला है वो 2.3 बच्चों को एवरेज जन्म है वो देती है, ये आपको फेक ध्यान रखना है। जबकि वहीं पे ग्लोबल लेवल की जो फर्टिलिटी रेट है वो है 2.5 बर्थ पर वुमेन, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने इसमें भी काफ़ी अच्छा काम है वो किया है, मतलब फर्टिलिटी रेट को भी इंडिया ने मॉनिटर थोड़ा काउंटर रेगुलेट है वो किया है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है कि मेटरनल मोर्टिलिटी रेट पे भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप हैं वो उठाए हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें 2027 की, देखो 2027 की उम्मीद की जा रही है कि जिस रेट से मतलब अभी जो हालात हैं उस हिसाब से कि इंडिया है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है वो बन जाएगी। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2027 में हो जाएगी लगभग 1.5 बिलियन, वहीं चाइना की पॉपुलेशन हो जाएगी उस टाइम पे 1.1 बिलियन, मतलब इंडिया नंबर वन पे है वो आ जाएगा अगर यही हालात रहे तो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नीला गुंबद, या आप ध्यान सकते हो कि ब्लू गुंबद। देखो बेसिकली जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है ना वहीं पे है ये नीला गुंबद। इसका एक्चुअली वैसे पता नहीं है कि किस शासक ने इसे बनवाया था और किस टाइम पे बना था एग्जैक्टली, बट हाँ ये कह सकते हैं कि जो नीला गुंबद है ये मैनली बना था मुगल एम्पायर के टाइम पे, मतलब मुगल शासकों ने किसी ने भी इसको बनवाया था। तो अभी कंटेक्स्ट ये था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना वो तो बेसिकली इसे कंजर्व करता ही है, इसी के साथ ही एक ट्रस्ट था जिसका नाम है आगा खान ट्रस्ट,
फॉर कल्चर, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं स्मारकों, इनको मॉनिटर करने के लिए। ये इसको बेसिकली मतलब फोकस कर रहा था, इसका मेंटेनेंस वगैरह कर रहा था। तो 4-5 साल इसका काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस किया गया, रख रखाव किया गया, तब जाके इसको वापस से रिकवर है वो किया गया। तो अभी ये न्यूज़ में है, तो अभी आम जनता के लिए इसको खोल दिया गया है विजिट के लिए। यह कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब इसका जो गुंबद है वो नीले रंग का है, इसीलिए काफ़ी सुर्खियों में रहा है। ध्यान रखना, इसका जो प्रॉपर टाइम है एग्जैक्टली वो नहीं पता कि कब बनाया था, किस शासक ने बनाया था, बट ये है कि मुगल एम्पायर के द्वारा बनाया था, और जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में उसी एरिया में यह स्थित है। देखो, एक हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे लास्ट वीडियो में कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज, ये तो थी इथोपिया की लोकेशन, पहले इथोपिया की लोकेशन भी उसमें खैर आपसे पूछी गई थी कि लैंड लॉक कंट्री है कैसी है। तो जी हाँ, इथोपिया लैंड लॉक कंट्री है, और ये ध्यान रखना इसके कैपिटल है वो है अदीस अबीब, और जो अफ्रीकन यूनियन है इसका जो हेडक्वार्टर है आप बोल सकते हो कि मेन सेंटर है वो अदीस अबीब में ही है, इथोपिया में ही है। और यहाँ की भी एक आपको पता है मतलब इसी साल एक फ़्लाइट क्रेश हो गई थी बोइंग की, तो काफ़ी न्यूज़ में आई थी, मतलब इथोपिया की एयरलाइंस की वो फ़्लाइट थी तो न्यूज़ में रही थी ये सिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यों ये सुर्खियों वगैरह में थी। बेसिकली लैंडलॉक कंट्री है, सारी नेबरिंग कंट्री हमें रटने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे ये ध्यान रखना लेक है वो इम्पोर्टेंट है, लेक टर्कना, ये यूपीएससी पूछ सकती है, जो बेसिकली केन्या और इथोपिया के बॉर्डर पे है। मेनली ज़्यादातर हिस्सा इसका केन्या में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आती हैं, एक तो आती है यहाँ पे एटिया, ऊपर आपको दिख रही होगी ये रही, दूसरे नंबर पे आता है छोटी सी कंट्री जिबूटी, इसमें डी वैसे साइलेंट रहता है, तीसरे नंबर पे आती है सोमालिया, और चौथे नंबर पे आती है इथोपिया। ये 4 कंट्रीज मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखो हॉर्न का मतलब एक तरीके से जो राइनो का हॉर्न होता है ना, गेंडे का सींग, वैसी इसकी सेव है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड सी है, और ये यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है, और यहाँ पे एक्चुअली जो ट्रेड है वो आपको पता है विश्व का बहुत ज़्यादा ट्रेड इसी रूट से होता है। आप ये बताइए कि यहाँ पे कौन सी स्टेट है, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को कनेक्ट करने वाली स्टेट का नाम क्या है वो बताइए यहाँ पे। और बेसिकली यहाँ पे सोमाली पायरेट्स का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो लुटेरे टाइप के होते हैं समुद्री। तो ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।